मथुरा के जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार हमारे साथ हैं, जो इस वक्त मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का पदभार भी देख रहे हैं। एक बार फिर से जिले के समसामयिक सवालों को लेकर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, और सबसे पहले डीएम साहब आपसे जानना चाह रहे हैं ये कि पिछले दिनों अभी आपका इलाहाबाद जाना हुआ, हाई कोर्ट में आप गए, एक लंबित मामले को लेकर दायर याचिका में सुनवाई के लिए, तो वहां पर क्या कुछ हुआ? बेसिकली माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें गोकुल बैराज में कुछ पटिशनर्स ने याचिका दाखिल की थी हमें मुआवजा दिया जाए। उसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने वहां पे जिलाधिकारी को, एसएलएओ को और प्रमुख सचिव नगर विकास को बुलाया था। तो उसमें कोर्ट के जो डायरेक्शन पूर्व में रहे हैं कि जल्दी वितरण किया जाए, वही कोर्ट के डायरेक्शन रहे। और मैं सबको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी हम जो हमारे पास पूर्व में धनराशि थी 80 करोड़ हम वितरित कर चुके हैं, और उसके अलावा जिनका धारा 4 और धारा 6 की कार्रवाई नहीं हुई थी, एक्विजिशन की कार्रवाई नहीं हुई थी, उसके लिए भी शासन ने 190 करोड़ रिलीज किया है। तो ये 190 करोड़ हम जल्द ही अपना रजिस्ट्रीज करा के, बेसिकली क्योंकि इसमें धारा 6 नहीं हुआ था, एक्विजिशन की कार्रवाई नहीं हुई थी, तो डायरेक्ट परचेज हम काश्तकारों से करेंगे। उसकी कार्रवाई हमारे यहाँ शुरू हो गई है, हम जल्दी उसको एक दो दिन में हम उसको शुरू करने वाले हैं, जिससे कि हम डायरेक्ट परचेज करके किसानों को जो उनका भूमि है उसका उचित धनराशि उनको दे सकें। सर, अब ये हम कहें तो अतिशयोक्ति न होगी कि अब वो स्थिति आ गई है कि जब एक पुराने लंबित प्रकरण का निस्तारण हो ही जाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब जो काफी पुराना एक प्रकरण चला आ रहा था, प्रकरण क्या, वहां के हमारे जनपद के कुछ काश्तकारों को उनकी जमीन का मुआवजा उचित प्रतिकर नहीं मिला था। अब वो प्रकरण जो है अब एक अच्छे नोट पे खत्म हो रहा है कि हम जल्दी उनको मुआवजा उनके जमीन के एवज में जो धनराशि है वो दे पाएंगे। और इसके निपटारे के समय क्या किसी का दिल तो नहीं दुखेगा? देखिए, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि शासन के जो निर्देश आए हैं उसमें निर्देश में स्पष्ट ये लिखा गया है कि सर्वे और सबकी मालिकाना हक आपको देखने जरूरी होंगे धनराशि देने से पहले, तो वो प्रक्रिया केवल अपनाई जाएगी, बहुत ही शॉर्ट प्रक्रिया होती है। उसमें उनसे जो भी हमारे काश्तकार जो इससे प्रभावित हैं डूब क्षेत्र से, वो अपना टाइटल लेके आएंगे, उसी हिसाब से उनको उसको चेक करने के बाद उनको ये दे दिया जाएगा। डूब क्षेत्र में आने वाले महावन तहसील क्षेत्र के कुछ गांवों के कृषकों को, काश्तकारों को नोटिस भेज दिए गए हैं उनके पट्टों को निरस्त किए जाने के। देखिए, ऐसा है, कुछ जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी 90 करोड़ पहली किस्त आई है, हमें पूरे धनराशि इसमें प्राप्त होनी है, जल्दी प्राप्त होनी है। ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत कि मालिकाना हक जमीन का हमें फाइनल करने के बाद ही देना है, क्योंकि बहुत बड़ा वित्तीय धनराशि है, उसमें शासन के निर्देश हैं, तो उसी के क्रम में उनसे उनके मालिकाना हक के कागज मांगे जा रहे हैं। अब वो कागज दे, अपने कोर्ट में प्रस्तुत करें, जो भी आपके पास अपने जिस भूमि की आप बात कर रहे हैं उसकी कागज आप देंगे, उसके बाद उसमें डिसीजन ले लिया जाएगा, और जो जिसका मालिकाना हक जिस जमीन पे है उसको उसकी धनराशि अवश्य मिलेगी, ये हम आपको कह रहे हैं। और जो राशि आ गई है क्या 190 करोड़, ये पर्याप्त है? नहीं, इसमें हमने 692 करोड़ मांगा था, प्रथम किस्त के तौर पे इतनी धनराशि आई है, और शासन ने यह कहा है जब आप धनराशि आप वितरित कर देंगे उसके तुरंत बाद डिमांड कर लीजिए, हम आपको और धनराशि आपको दे देंगे। इसका सिस्टम भी लगभग वैसा ही रहेगा जैसा कि ओलावृष्टि पीड़ित किसानों के लिए रहा है? हाँ, क्योंकि कमिटेड अमाउंट है कि 692 करोड़ शासन को देना ही है, तो पहली जैसे एक तिहाई धनराशि हमारी हमें प्राप्त होगी, लगभग एक तिहाई, तो बाकी दो किस्त और हम मान लें, इसमें दो किस्त और हमें मिलेंगी फ्यूचर में जब हम इसके उपभोग कर लेंगे और प्रमाण करेंगे, वो भी मिल जाएंगे, पूरा मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा। ओलावृष्टि की नहीं आई राशि ये बार, ओलावृष्टि की धनराशि आ गई है तो उसका भी आपसे पूछ लें। पहले मैं उसका गोकुल बैराज का कर दूं, मेरे सभी काश्तकारों से एक अनुरोध इसमें रहेगा कि अगर कोर्ट से कोई भी नोटिस दिया गया है या कोई भी अभिलेख जांच करने के लिए या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है तो आप वो अभिलेख तत्काल कोर्ट में प्रस्तुत करें, जिससे कि वो प्रकरण वहां समाप्त हो और मुआवजा देने की प्रक्रिया उन गांव में भी शुरू हो सके। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इसमें जो एक धनराशि हमें प्राप्त हुई है, शासन ने एक स्वीकृति दी है, उस काम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें, और जिन काश्तकारों से नोटिस दिया गया बेसिकली वो उनका मालिकाना हक जानने के लिए किया गया है, जैसे ही मालिकाना हक हमें कागज प्राप्त हो जाएंगे उसके बाद हम उसमें धनराशि वितरित करेंगे।
मैं ये कहूंगा कि काश्तकार ऑलरेडी बहुत परेशान है। 10-15 साल से वो मुआवजा एक जमीन का चाह रहा था जो उनके हाथ से निकल चुकी है। उसमें हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं, आप लोगों के सभी काश्तकारों को भी बहुत प्रयास रहे हैं। तो हम एक कदम हम बढ़े हैं कि धनराशि हम शासन से प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश भी उसमें काफी पॉजिटिव आए हैं, तो उसमें थोड़ा सहयोग करें जिससे हम तेजी से ये काम कर सके, वितरित कर सके और धनराशि की हम मांग कर सके। और ओलावृष्टि के बारे में तो कुछ, जहां तक ओलावृष्टि के हक में नहीं। जहां तक ओलावृष्टि की बात है, अभी 11 करोड़ ऑलरेडी एक आ गया था। बहुत सारे कयास उससे पहले लगाए जा रहे थे कि धनराशि नहीं आएगी, 11 करोड़ हमें प्राप्त हुआ है और इसमें और धनराशि भी प्राप्त होगी। धीरे धीरे थोड़ा समय जरूर लग सकता है क्योंकि चुनाव के अभी 11 करोड़ अभी हाल ही में कोई 15 दिन पहले आए थे, तो उसको हम तहसीलों में भिजवा के उसको वितरित भी कर दिया गया, कुछ और कुछ हो जाएगा तो और धनराशि भी आएगी। सभी काश्तकार निश्चिंत रहे, धनराशि पूरी। टोटल कितना आ चुका ओलावृष्टि में? ओलावृष्टि में करीब हमारे पास 193 करोड़ हो चुका है और 190 इसका आ गया है और पिछला भी कुछ इसमें रखा हुआ है पहले। गोकुल बराज का बात, गोकुल बराज में हमारे पास पिछला धनराशि रखी थी जो कि अवार्ड फाइनल ना होने की वजह से वितरित नहीं की जा सकी थी, उसमें 80 करोड़ हम ऑलरेडी वितरित कर चुके हैं और किसानों को, 3 गांव के किसान उसमें संतृप्त भी हो चुके हैं। उसके अलावा कुछ कोर्ट के डायरेक्शन पे कुछ का डिस्पोजल हुआ था। अब 190 करोड़ और है, इसको भी जल्दी हम बैनामा, क्योंकि अब इसमें अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं हुई थी इसलिए सीधे बैनामा करने होंगे, तो सीधे बैनामा करने के लिए हम काश्तकारों से बात कर रहे हैं। जैसे ही वो अपना बैनामा कराएंगे साथ साथ उनको धनराशि उनके बैंक अकाउंट में। 80 करोड़ कब दे दी गई सर? 80 करोड़ पिछले एक महीने के अंदर हमने वितरित किए हैं। वितरित कर दिए? बिल्कुल वितरित किए। और इस वक्त जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उससे किसी प्रकार की कोई बाधा तो नहीं आएगी? देखो, गोकुल बैराज पुराना प्रकरण है हमारा, इसमें पहले से चला आ रहा है, तो इसमें कोई इस तरह की रोक नहीं है कि इसमें पैसा ना दे, क्योंकि काश्तकार का हक है, उनके लिए पैसा आया तो उनको दे। आचार संहिता कहीं अड़े नहीं आएगी इसमें? ये कोई विकास की योजना नहीं है, ये उनका काश्तकारों का हक है जो उनको दिया जा रहा है। और सर, ओलावृष्टि के लिए अभी कितनी धनराशि की और आवश्यकता है? ओलावृष्टि के लिए अभी हमारे पास 193 करोड़ आया है, करीब हमें इतना ही लगभग और धनराशि हमें आवश्यकता पड़ रही है। और अब यदि हम आपसे बात करें मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की, तो आपने वहां की स्थितियों का आकलन किया है, बैठक की है, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकाला है? उसमें बेसिकली सभी को डायरेक्शन दिए गए। पहले तो कल ऑफिस का भ्रमण किया था, उसके साथ में जो शासन की प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं को जल्दी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी JEE और एक्सियंस जो है, जो कि इंजीनियरिंग स्टाफ है जो कि एनफोर्समेंट का काम भी करता है और डेवलपमेंट का काम भी करता है, उनको भी डायरेक्शन दिए गए, क्योंकि हर एक का एरिया बटा हुआ है कि जो नक्शे पास होते हैं या तो उनसे अन्यत्र बिल्डिंग ना बने उसके लिए वो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। साथ ही बिना नक्शे पास करे जो बिल्डिंग बनी है उनकी भी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। एक अतिरिक्त ये बड़ा भार आ गया है, हालांकि कोई बहुत बड़ा नहीं है, ऑलरेडी आपके पूरे जिले के एक बड़े अधिकारी इसको भी वहन करेंगे, लेकिन इसको वहन करते हुए आपका जो जिलाधिकारी वाला पद है उसके जो दायित्व हैं उनमें कहीं किसी प्रकार की कोई शिथिलता तो नहीं आएगी? आई थिंक ऐसा होना नहीं चाहिए, कोशिश हमारी पूरी रहती है कि सभी कार्य हम पूरे करें और इसमें भी विकास प्राधिकरण को भी समय देके वहां के कार्य जो है समय से पूरे करेंगे और शासन के प्रति संचालन प्राधिकरण का प्राधिकरण से होगा या कलेक्ट्रेट से भी हो सकता है? पास नहीं, वो प्राधिकरण से ही होगा। कुछ समय हफ्ते में कुछ समय या डेली कुछ समय हम प्राधिकरण में जाके वहां के कार्य वहीं पे पूरा करके आएंगे। थोड़ी सी बात जनहित की, अब आपके पास जब मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष का पद भी आ गया है और आप स्वतंत्र हैं बड़े बड़े और ऐसे निर्णय लेने के लिए जिनकी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, पिछले दिनों आपसे चर्चा हो रही थी जब यहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था, तो आपने कहा था कि शहर के सुंदरीकरण की भी योजना हम बनाएंगे प्राधिकरण और पालिका का समायोजन करके। तो अब प्राधिकरण तो आप हैं, प्रशासन आप हैं और पालिका आपसे बाहर नहीं है, तो ऐसे में क्या उम्मीद करे आम जनमानस की जो पिछले दिनों उन्होंने महसूस किया कि केवल शहर का स्वरूप एक जो था उनके बॉक्सेज वगैरह लग के जो बना हुआ था उसको हटाया गया है तो नया स्वरूप अब मिलेगा?
इसमें पहले तो मैं ये कहता हूँ कि शुरू से ही हमारे प्राधिकरण और जिला प्रशासन, पुलिस और नगर पालिकाएं सब में एक समन्वय स्थापित पहले से ही था। हम बड़े ही अच्छी तरह से समन्वय स्थापित करके काम कर रहे थे, तो वो समन्वय अच्छा ही रहेगा, उसमें अभी काम अच्छा ही करेगा। जहां तक कि हमारी हम बात करें अतिक्रमण हटाने की, जो मैं समझ पाया, उसमें हम प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह उस एरिया का पूरा सौंदर्यीकरण किया जाए और जिससे कि उस एरिया का डेवलपमेंट हो। दो चीजें हैं, इनिशियली लगता है कि अतिक्रमण हटा है तो कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है, कुछ को फायदा भी हो सकता है। मेरा जो मानना है, अब धीरे धीरे मार्केट जो है शहर का, हमारा मेन शहर का हृदय अगर कहें तो होली गेट, उसके आसपास का जो एरिया है जी, जो हम पुराना सिटी कह सकते हैं, ओल्ड सिटी कह सकते हैं, हृदय हमारे शहर का वही है। अब धीरे धीरे अतिक्रमण होने से, वाहनों की उपलब्धता से, सभी लोगों के पास सबके काम इतने ज्यादा है कि उनके पास समय नहीं रहता है। तो पहले लोग जो पैदल शॉपिंग करने जाते थे या अपना काम करने जाते थे, उनको अब इतना समय ना होने की वजह से अपने वाहनों से जाते हैं। कोई बाइक से जा रहा है, कोई रिक्शा ले रहा है, कोई अपनी गाड़ी से जा रहा है। तो ये सहूलियत ना होने से, गलियां तंग होने से, अतिक्रमण होने से, वो लोग इन शॉप्स पे जाने से वंचित रह जाते थे या यहाँ पे शॉपिंग नहीं कर पाते थे। तो उसका आप प्रतिक्रिया देखेंगे शहर के बाहर, लेकिन चाहे मॉल मान लें, नालियों में गिरने का खतरा भी होता है। वही मैं बता रहा हूँ, चाहे मॉल का मान लें, चाहे कृष्णानगर के मेन रोड पे मान लें, जो शोरूम्स आए, दुकान आए, इसी का कारण है कि कहीं ना कहीं जो हमारा कस्टमर है इन शॉप्स का, वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है सहूलियत ना होने की वजह से। तो ये जो अतिक्रमण हटाया गया, बेसिकली ये समय की मांग थी। इससे यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। केवल कस्टमर्स को सहूलियत नहीं होगी या हमारे जो लोग उधर पर्यटक आ रहे हैं उनको सहूलियत नहीं होगी, केवल साथ ही साथ दुकानदारों को भी भविष्य में उसका लाभ मिलेगा। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। और जहां तक आप बात करें नालियों की, नालियों में भी हम प्लान कर रहे हैं, विकास प्राधिकरण से हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि उसका भी कुछ सौंदर्यकरण करके कुछ ऐसी चीज निकाली जाए जिससे कि नालियां हमारे लिए सेफ रहे, वो भी हम प्लान कर रहे हैं और जल्दी उसका एक प्लान हम लेके आगे आएंगे, उस पर एग्जीक्यूशन करेंगे। और जहां तक ऊपर दुकान के नाम और उसकी बात है, उसके ऑलरेडी मानक दे दिए गए हैं कि आप जितनी आपकी शटर की चौड़ाई है या दुकान की चौड़ाई, उतने तक आप पूरी चौड़ाई में अपना ऊपर नाम लिख सकते हैं या जो भी आपको लिखना हो, वो चीज बता दी गई है। और केवल उसकी मोटाई पे हमने थोड़ा कंस्ट्रेंट रखा है कि 4 इंच के आसपास अब रखिए, जिससे कि वो बहुत आगे ना निकल के आ जाए। और ये चीज उनसे कही है। जहां तक चढ़ने की बात है कुछ दुकानों का, जैसे हम देखने गए, कुछ 3 फुट ऊंची दुकानें भी हैं, बिल्कुल सही बात है, तो उनको हमने 2 फीट चौड़ी या 2.5 फीट चौड़ी हमने सीढ़ी लगाने के लिए अनुमति दी है, जिससे कि आपका व्यापार भी वो ना हो, कस्टमर भी अंदर आ सके और आप भी दुकान पे अपना सामान रख और निकाल सके। तो वो चीज परमिशन उनको दे दी गई है। सर, यदि आज की इस वार्ता के दौरान आपसे मौली रोड के मुद्दे को लेकर बात न की जाए तो शायद ये पूरी नहीं होगी। मौली रोड पर अभी पिछले दिनों गिट्टी के कुछ ट्रक आकर उतर गए, वहां के दुकानदारों को बड़ी आशा बंधी, क्योंकि रोड का निर्माण नहीं होने के कारण जहां उनके अपन बच्चे रह हो सकते हैं, वहीं उनकी दुकानदारी भी अब प्रभावित हो रही है। तो इसलिए उनको आशा एक बंधी कि अब गिट्टी के ट्रक उतर रहे हैं तो रोड बनने जा रहा होगा, और किसी ने उनसे कह दिया कि टेंडर निकल गए हैं, और बाकी अधिक जानकारी आप बताएं। इसलिए तो कुछ आप ऐसा बता गए थे, लेकिन अब वो कार्य गया है, गिट्टियां उतर कर ही रह गई हैं, तो वो परेशान। ऐसा तो वो गड्ढे बहुत ज्यादा हो गए, टेम्परेरी डालने की कार्रवाई हो रही थी कि उसको गड्ढों को ठीक किया जा सके। जहां तक मौलीपुरी रोड बनने की बात है, रोड की स्वीकृति आ गई है, अब उसके टेंडर और उस प्रोसेस में है, जल्दी उस रोड का निर्माण हम शुरू करेंगे, जिससे कि एक महत्वपूर्ण सड़क जो है हमारे शहर की वो ठीक हो सके, और अगर कोई अतिक्रमण उसमें आता है तो उस अतिक्रमण को भी टाला जाए। इसमें तो कृपया आपसे अनुरोध है कि एक समय सीमा जरूर निर्धारित करें। जैसे ही हमारा टेंडर फाइनल हो जाएगा और एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके 10 दिन के अंदर हमारा काम शुरू हो जाएगा, ये हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। और चौड़ीकरण की प्रक्रिया भी जारी रहेगी, उसकी जांच पड़ताल जो भी प्रक्रिया चल रही है, सड़क बनाते वक्त जो भी अतिक्रमण सामने आएगा उसको बिल्कुल हटाया जाएगा, जिससे कि सड़क हमारी जितनी सैंक्शन हुई है उतनी हम पूरी कर सकें। आखिर में चुनाव के संबंध में बता दीजिए, जो कुछ आपको कहना है आम जनमानस से, या क्योंकि भरोसा दिलाना है सभी को, सभी पार्टी के लोगों को। देखिए, चुनाव यहाँ पे अभी पहले जैसे आप जानते हैं कि जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र परिषद सदस्य का चुनाव भी चल रहा है, जिसकी प्रक्रिया काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। एक फेज का नॉमिनेशन जो कि हमारे छात्रा तहसील के ब्लॉक्स का है वो ऑलरेडी हो चुका है, और दूसरे फेज का हमारा कल शुरू हो चुका था। तो प्रक्रिया काफी अच्छी है और काफी पारदर्शी तरीके से हम इसको करा रहे हैं।
और बहुत अच्छी सारी कानून व्यवस्था की चीजों पर पूरा ध्यान दिया गया है। बूथ पे पर्याप्त फोर्स भी रखी गई है और क्योंकि चुनाव चार चरणों में है तो चार चरणों में जैसे पहले चरण में हमारे केवल तीन ब्लॉक हैं, दूसरे चरण में दो ब्लॉक हैं, तीसरे में तीन ब्लॉक हैं, चरण में फिर दो ब्लॉक, तो हमारे पास उसके हिसाब से पर्याप्त फोर्स है, पर्याप्त हमारे पास मजिस्ट्रेट्स हैं, पर्याप्त हमारे पास पुलिस अधिकारीगण हैं। जैसे कि अगर छाता का ही लेने तीन ब्लॉक में हमारे पास 10 डिप्टी कलेक्टर्स हैं, तो छोटे छोटे जोन में इन ब्लॉक्स को बांटा गया है जिससे कि अगर कभी जरूरत महसूस हो तो तुरंत हमारे पहुंच सके, मतलब हमारा डिले टाइम मुश्किल से 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिस तरह हम व्यवस्था कर रहे हैं। उसके अलावा सभी पीठासीन अधिकारियों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, ट्रेनिंग एक फेज ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया है, उनको भी इस चीज पर बताया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे पहले फेज के और दूसरे फेज के सभी भ्रमण करके तीसरे चौथे फेज के भी लेट है, उनका भ्रमण कल और परसों में हो जाएगा। तो हमारी तैयारी पूरी है और सभी जो हमारे इसमें कैंडिडेट्स हैं, हमारे जनपद के सभी वासी हैं, उन सबको यही हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमेशा की तरह बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव ये होगा और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा और बिना किसी विवाद के हम इसको करेंगे। हम उसकी तैयारी हमारी है और हम उसके प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी बातचीत आपने ऐसे की, समसामयिक सवालों को लेकर एक बार फिर से हमने बातचीत की। आपने बताया इलाहाबाद के अपने दौरे के संबंध में कि वहां क्यों गए, वहां पर उच्च न्यायालय में आपने जाकर सुनवाई के दौरान वहां पर अपना प्रशासन का पक्ष रखा और जो गाइडलाइन वहां की मिली है उसके बारे में आपने बताया कि और साथ ही 190 करोड़ रुपए मिलने की बात कही, शीघ्र ही उनका वितरण किए जाने की बात कही, 80 करोड़ रुपए पहले वितरित किए जा चुके हैं ये जानकारी दी और विभिन्न जो समसामयिक सवाल आपसे पूछे गए उनके बड़े सारगर्भित जवाब आपने दिए और निष्पक्ष चुनाव का भरोसा दिलाया, शहर के विकास का भरोसा दिलाया, सौंदर्यीकरण का भरोसा दिलाया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में आप अपने भरोसे पर कितने खरे उतरते हैं। न्यू न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ योगेश खत्री।